तो हे गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओप्पो के रेनो 3 प्रो के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली ओप्पो का जो रेनो 3 सीरीज़ है वो चाइना में लॉन्च की गई थी, जिसमें आपको ओप्पो का रेनो 3 और 3 प्रो देखने के लिए मिला था। तो गाइस, अभी ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। ओप्पो का जो रेनो 3 होगा वो अभी इंडिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट जो ओप्पो का रेनो 3 प्रो होगा वो आपको डेफिनेटली इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, आज 91 मोबाइल्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक बैनर की फोटो डाली है। जो बैनर है वो आपको ओप्पो के रेनो 3 प्रो का देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, यहां पर आप इस बैनर में देख सकते हो, आपको डुअल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जबकि जो चाइना वाला है उसमें आपको सिंगल पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। तो आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा जब ये इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो का रेनो 3 प्रो आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और जो आपको मेन कैमरा सेंसर होगा वो 44 मेगापिक्सल का होगा। तो गाइस, ये पूरे वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ आपको एक डेप्थ सेंसर या वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा कैमरा सेंसर होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो 44 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा वो एक्चुअल में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी क्लिक कर देगा। मार्केट के लिए इस स्मार्टफोन में आपको 44 मेगापिक्सल का कैमरा दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल में आपको 32 मेगापिक्सल की ही फोटोज क्लिक कर देगा, और बाद में पिक्सल बाइंडिंग की मदद से थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस, इसके बारे में बात करें इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो पैनल देखने के लिए मिलेगा वो ओएलईडी पैनल देखने के लिए मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो आपको काफी फास्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें इसके पीछे वाले कैमरास की, तो पीछे वाली साइड आपको 4 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सोनी का IMX 586 वाला सेंसर दिया जाएगा। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा मिलेगा। और रही बात इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4500 एमएच की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको वूक की 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, बट यहां पर मैं आपको बता दें कि आपको 5G का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन होगा वो 4G के साथ आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 765 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर है उसमें आपको इनबिल्ट 5G की चिप मिलती है। तो गाइस, जो स्नैपड्रैगन का 765 वाला है उसमें आपको इनबिल्ट 5G की चिप नहीं मिलती, उसमें क्वालकॉम अलग से X50 का मॉडेम लगाएगा, तब जाकर वो जो प्रोसेसर होगा वो 5G कैपेबल होगा। गाइस, ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 765 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाए, बट ये मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट जो लीक होकर आया है प्रोसेसर वो स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर लीक होकर आया है। उसके बाद हम बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिल सकते हैं। जो पहला वेरिएंट होगा वो 8GB की रैम 128GB का होगा, और जो सेकंड वेरिएंट होगा उसमें आपको 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो आपको 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। बिकॉज ये जो स्मार्टफोन होगा वो ऑफलाइन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, और ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा, बट ऑफलाइन ये जो स्मार्टफोन होगा बहुत ज्यादा सेल होगा। तो गाइस, उसके बारे में बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको फरवरी के मंथ में देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में। तो गाइस, फरवरी के लास्ट वीक या फरवरी के मिड में आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।